सभी शिक्षक बंधुओं के लिए एक नया आदेश। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी एक आदेश है, जिसके तहत आपको समर हॉलिडे होमवर्क शीट उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए क्या है विषय, मैं आपको पूरी जानकारी इसके अंदर दूंगा। सत्र 2022-23 के लिए ब्रिज कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मकालीन गृह कार्य सीट्स समर हॉलिडे होमवर्क शीट उपलब्ध करवाने के संबंध में ये विषय है। क्या है पूरा आदेश, उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगानुसार सत्र 22-23 के विद्यार्थियों हेतु तो फास्ट ट्रैक लर्निंग आधारित बीज कोर्स कार्यक्रम के आरंभ एवं विद्यार्थियों की अध्ययन अनवरता हेतु तो ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य यानी हॉलीडे होमवर्क दिया जाना है, ताकि ग्रीष्म अवकाश अवधि का सदुपयोग विद्यार्थी के अधिकम स्तर सुधार हेतु सुनियोजित रूप से किया जा सके। यानी ग्रीष्म अवकाश में बच्चे अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं करें, उसका पूरा सदुपयोग के लिए एक आदेश है, ताकि होमवर्क करते रहे और एक निरंतर शिक्षा से जुड़े रहे। विद्यार्थियों के ग्रीष्मकालीन गृह कार्य समर हॉलीडे होमवर्क के रूप में विद्यार्थियों को ब्रिज कार्यक्रम हेतु अब क्या क्या है इसके अंदर सारी जानकारी लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के ग्रीष्मकालीन गृह कार्य समर हॉलीडे के रूप में विद्यार्थियों को ब्रिज कार्यक्रम हेतु फर्स्ट है कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित 18 अधिगम वर्कशीट्स हिंदी अंग्रेजी गणित प्रति विषय 6, यानी जो मेन मेन विषय है हिंदी अंग्रेजी और गणित प्रति विषय 6, और कक्षा 9 से 12 के लिए प्रश्न बैंक के डाउनलोड लिंक स्माइल मैसेज के माध्यम से दिनांक 23/5/2022 को उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी 23 तारीख को आपके कह सकते हैं सोमवार से आपका ये काम शुरू होगा, और इस सोमवार से आपके जो कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए तो गतिविधि आधारित आपको वर्कशीट मिलेगी हिंदी अंग्रेजी और गणित की, और कक्षा 9 और 12 के लिए प्रश्न बैंक मिलेंगे जो स्माइल ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे और आपको आगे फॉरवर्ड करके उनको छात्रों तक पहुंचाना है। दूसरा है इस स्माइल मैसेज की पहुंच प्रत्येक विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी तक सुनिश्चित करें। तीसरा पॉइंट है कि इन वर्कशीट्स को विद्यार्थियों को अपनी ग्रीष्मकालीन गृह कार्य पुस्तिका में हल करना है, यानी अलग से एक कॉपी बना के इन शीट्स को हल करना है उसमें। फोर्थ है जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है अथवा जिन विद्यार्थियों को इन वर्कशीट को हल करने के दौरान कोई समस्या आती है, तो विद्यालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित शिक्षक से वर्कशीट प्राप्त करेंगे तथा संबंधित शिक्षक कक्षा अध्यापक से फोन कॉल अथवा ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से शंका का समाधान कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए तो आपको उसका सॉल्यूशन देना होगा, चाहे विद्यालय में जाके दे, ऑफलाइन दे, ऑनलाइन दे, कैसे भी करके उनकी शंका का समाधान करना है। दूसरा पांचवा पॉइंट है सभी विद्यार्थियों को ये ग्रीष्मकालीन गृह कार्य वर्कशीट पूर्ण करने की अनिवार्य होगी, और ऐसे निर्देश समस्त संस्था प्रधान तथा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को दिए जाने हैं। छठा पॉइंट ग्रीष्म अवकाश की समाप्ति पर तथा शंका समाधान के दौरान शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्न के हल के दौरान आ रही समस्याओं का सूक्ष्म अवलोकन करें, वर्कशीट की गहनता से जांच करें ताकि विद्यार्थी के अधिगम स्तर का सही अनुमान लगाया जा सके। नोट क्या है, पाठ्यक्रम पूर्णता आधारित नहीं अपितु दक्षता प्राप्ति केंद्रीय समर्थन दिया जाना है। आगे है ब्रिज कोर्स के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के परिवारजनों को भी गत सत्र में रहे लर्निंग लॉस को रिकवर हेतु अभिप्रेरित कर साथ में जोड़ा जाए, और इसके लिए विद्यार्थी के माता पिता अथवा अभिभावकों को विद्यार्थियों की लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए संचालित कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मावकाश में जाने वाली वर्कशीट्स और प्रश्न बैंक के बारे में जानकारी दें, उन्हें इनकी महत्ता के बारे में बताकर जागरूक किया जाए कि वे अपने बालक बालिका को ग्रीष्मावकाश गृह कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, कुल मिला के ये आदेश है जो ग्रीष्मावकाश में बच्चों की छुट्टियाँ को वेस्ट न करते हुए उनकी छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए इस सारा प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी इसके बारे में जानकारी थी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार की अपडेट शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू।